मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ होने के बाद मोबाइल वितरण केंद्रों पर भीड़ लग रही है। बीकानेर नगर निगम आयुक्त केशव लाल मीणा ने बताया कि बीकानेर शहर में चार जगहों पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर कैंप लगाए गए। उन्होंने बताया कि जिसका भी नाम लिस्ट में होगा उन्हें आमंत्रण पत्र दिया जाएगा। आमंत्रण पत्र पहुंचने के बाद ही संबंधित दिए गए स्थान पर कैंप पर पहुंचना होगा। वितरण किया जा रहा है उसे स्मार्टफोन को लेकर। एक तरह से नगर निगम बीकानेर बहुत जबरदस्त प्रयास रहता है, और खास बात अगर करें एक आमंत्रण पत्र मिलेगा तभी आप एंटाइटल हो पाएंगे। क्या है आमंत्रण पत्र, हम जानकारी लेना चाहेंगे बीकानेर के नगर निगम के कमिश्नर केसर लाल मीणा जी से। सर क्या आमंत्रण पत्र दो पर्ची में होगा, आमंत्रण पत्र भी कह सकते हैं उसको, पर्ची भी कह सकते, इसमें टोकन नंबर भी होगा, उसके साथ साथ उसमें लाभार्थी का नाम, पत्नी पुत्री या पिता का नाम, निवासी, दिनांक, समय और स्थान उसमें अंकित होगा। उसमें साथ साथ आमंत्रण पत्र में जो तीन चार मुख्य बातें हैं वो भी उसमें अंकित होगी कि मोबाइल कैम्प में जो भी महिला लाभार्थी आएगा उसका जनाधार आधार से लिंक होना चाहिए। यदि उसका मोबाइल नंबर उसमें ठीक से चेक कर लें, अगर मोबाइल नंबर गलत है या अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करा लें। जनाधार में आधार नंबर भी सही होना चाहिए, कई बार आधार नंबर गलत हो जाता है तो उसे प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है, अतः ई मित्र पर जाकर वो आधार नंबर चेक करवा लें और गलत होने की स्थिति में प्रविष्टि को अपडेट करा लें। शिविर में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, जनाधार, आधार कार्ड और पैन कार्ड यदि उपलब्ध है तो लाएँ। पैन कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फॉर्म नंबर 60 भरना होगा। लाभार्थी की उम्र यदि 18 वर्ष से कम है तो उसके जो जनाधार में मुखिया है परिवार की उसको साथ उपस्थित होना होगा। इन सबके साथ वो अलग अलग निर्धारित समय पर हमारे यहाँ निगम में एरिया में चार कैंप हैं। एक तो मुक्ता प्रसाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सामुदायिक भवन, दूसरा गंगा शहर में रामपुरिया भवन, तीसरा है ओटीएस परिसर नागनेची मंदिर के पास, और चौथा है नगर निगम का भंडार ऑफिस। इन चारों स्थानों पर नगरीय क्षेत्र नगर निगम बीकानेर का क्षेत्र है वो सारा अलग अलग दिवस को अलग अलग लाभार्थी को मोबाइल वितरण किया जाएगा। किस तरह का आमंत्रण पत्र होता है, ये आमंत्रण पत्र क्या आप लोगों के द्वारा दिया जाएगा घर घर जाकर या जो एंटाइटल होंगे उन लोगों को, या फिर किस तरह से क्या वो थोड़ी प्रक्रिया जरूर बताएं आप, उसको दिखाते हैं। आमंत्रण पत्र देखिए, ये आमंत्रण पत्र है, देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो जो दिया जाना है, जो आमंत्रण पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से संबोधित लाभार्थी का नाम होगा, उसमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के चयन पर आपको बधाई दी गई है। राज्य सरकार द्वारा शिविर का नाम जो क्षेत्र है एरिया है दिनांक और वो निर्धारित दिया जाएगा, जिसके नगर निगम ने पर्ची बनाई है उसका प्रारूप ये दोनों ये साथ जाएंगे और उसमें भी लाभार्थी का नाम दिया गया, टोकन नंबर भी दिया गया। देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये आमंत्रण पत्र जिसके पास पहुंचे वही निश्चित रूप से आने के लिए स्मार्टफोन के लिए खास तौर से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का हकदार होगा और उसे ही मोबाइल मिल पाएगा, ये कहना है बीकानेर के नगर निगम के आयुक्त केसर लाल मीणा का। के सिंह, A1 TV।